नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस्लाम में 5 अरकान हैं: ईमान, नमाज, रोज़ा, हज और जकात। और रमज़ान के इस पवित्र महीने में इनकी कद्र और भी ज़्यादा हो जाती है। हर मुस्लिम के लिए इन्हें पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज हम आपको दो ऐसे युवकों की कहानी बता रहे हैं, दो नौजवानों की, जिन्होंने रमज़ान के इस महीने में अपनी नमाज छोड़ दी, लेकिन नमाज छोड़कर उन्होंने इंसानियत का धर्म अपनाया। उन्होंने दिखाया कि आखिर किस तरह से एक नन्ही सी बच्ची की जान उन्होंने बचा ली। क्या किया उन्होंने आखिर, ऐसा आपको बताते हैं। दरअसल पवित्र माह रमज़ान में दो युवकों ने रक्तदान कर एक शिशु की ज़िंदगी बचाकर एक अलग ही मिसाल पेश कर दी है। मुस्लिम युवक तरावी की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे ही थे कि सूचना आई कि एक शिशु को रक्त की ज़रूरत है, तो तुरंत अस्पताल पहुंच गए। भोपाल के अस्पताल के PICU में 2.5 साल की कार्तिक सिंह को परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती किया था। शिशु के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बच्चे को दिमागी बीमारी थी, उसे ICU पर रखा गया था। जब इसकी सूचना इन दोनों जवानों को मिली, उस वक्त ये मस्जिद में अपनी नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए थे। वो तुरंत अपने एक साथी को लेकर जिला अस्पताल आ गई। इसके बाद इन्होंने रक्तदान किया और शिशु की जिंदगी बचा ली। वाकई इन दोनों ने मिसाल पेश कर दी है। लेकिन एक ऐसा भी शख्स था जिसने रमजान के इस पाक महीने में एक ऐसी हरकत की जिससे हर किसी का खून खौल उठा। एक शख्स ने अपनी 4 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया। उसका कहना था कि उसकी मौत से, उसके खून से अल्लाह खुश होंगे। लेकिन सीखना चाहिए इन दो युवकों से, जिन्होंने पाक के इस रमजान महीने में अपनी नमाज तक छोड़ दी, लेकिन उस छोटे से बच्चे की जान बचा ली। आप क्या कहेंगे इस खबर पर, अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।